आज हम जा रहे हैं पेरवा गांव, जो कि खूटी तोरपा में स्थित है। ये खूटी 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 तोरपा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये काफ़ी जंगल जंगल घने जंगल होते हुए आप पेरवा घाट जाते हैं। पेरवा घाट काफ़ी सुरक्षित टाइम में, पहले ये थोड़ा एरिया बदला हुआ था, अभी थोड़ा सुरक्षित है। चलिए आपको ले चलता हूँ पेरवा घाट। ये काफ़ी अच्छा मनमोहक जगह है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। पेरवा का नाम पेरवा घाट क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कबूतर निवास करते थे, इसलिए इसका नाम पेरवा और घाट के नाम पे रखा गया है पेरवा घाट। चलिए आपको ले जाते हैं पेरवा घाट, आपको दिखाते हैं पेरवा घाट का कुछ दृश्य। आइए, देख सकते हैं पेरवा पहुंच चुके हैं। पेरवा में काफी बदलाव हो चुके हैं, यहाँ रोड निर्माण हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप रोड बनाया जा रहा है, ये काफी विकसित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ काफी सैलानी आ रहे हैं घूमने के लिए। पेरवा काफी बदल चुका है, पहले से काफी बदल चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पेरवा का कुछ सीन। यहाँ के पानी के सब दीवाने हैं, क्योंकि पानी यहाँ ग्रीन दिखता है। मेरा नाम मोतीराम सिंह है, हम 4 साल से यहाँ का संचालक कर रहे हैं। यहाँ पेरवा घाट कारो नदी में है, जो कि फटका पंचायत के डेरांग मौजा में पड़ता है। तो ये पेरवा घाट, यहाँ पहले कुछ दिन बहुत से पेरवा रहते थे, उसी के नाम से यहाँ पेरवा घाट पड़ा। सरना जैसे पूजा स्थल है, यहाँ हमारे बाप दादा लोग पूजा पाठ करते थे और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पर्यटक बहुत भीड़ रहती है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश में अभी प्रचार हो चुका है। यह एक पर्यटन स्थल है, बहुत सुंदर स्थान है। पानी को देखने के लिए लोग रांची से आते हैं, ये पानी काफी मनमोहक लेता है लोगों का। ये पानी देख सकते हैं, नजारा काफी बढ़िया लग रहा है। लोग उस तरफ से आते हैं, चढ़ के लोग आते हैं और यहाँ देखने के लिए बोल देख सकते, काफी जंगल जंगल है। देख सकते हैं लोग किस तरह चोटी में खड़ा होकर फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, नहीं फोटो ले रहे हैं। काफी चट्टान भरा भरा है,
बिरवा खा।